अब हम निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। लेकिन निषेचन के अंदर क्या प्रोसेस होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, निषेचन होता क्या है। देखिए हम पढ़ रहे हैं, पहले ये टॉपिक था हमारा लैंगिक जनन, उसके अंदर ये स्टेप कौन सा था निषेचन का। तो लैंगिक जनन में हमने बताया था आपको कि लैंगिक जनन के अंदर क्या होंगे, मेल और फीमेल का फ्यूजन होगा, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे। इसकी परिभाषा क्या हो गई, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, या फिर नर युग्मक मादा युग्मक के संयोजित होने को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे आपको परागण की स्टेप पहले पढ़ा दी थी कि परागण में क्या होगा कि जो पराग कोष से तो क्या आएंगे, पराग कण आएंगे, पहुँचेंगे कहाँ पे, वर्ती काग्र जो है वहाँ पे पहुँचेंगे। और कैसे पहुँचेंगे, देखिए परागण के प्रोसेस से, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि निषेचन के प्रोसेस में होता क्या है। पहले एक डायग्राम देखते हैं हम यहाँ पे, ये हमने कौन सा हिस्सा बताया था, इसका ये इसका अंडाशय वाला हिस्सा है, ओवरी वाला हिस्सा है ये इसका। ये जो फ्लास्क टाइप जो दिख रहा है ये होता है इसका वर्तिका वाला भाग। ये क्या है इसके अंदर, ये है पराग कण। ये होती है इसकी पहली स्थिति जिसके अंदर क्या होता है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, ये इसकी अंडकोशिका है। ये इसी से क्या होगा, जो फीमेल आएगा वो इसी से क्या होगा, जुड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, जब यहाँ पे इनका संयोजन हो जाएगा तो ये जो नलिका है देखिए कैसे होती है प्रोसेस। सबसे पहले तो ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, अंकुरित होता पराग कण है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पराग कण का अंकुरण हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या होता है कि ये जो पराग कण होते हैं ये पराग कण पराग कोष से वर्तिका पर आ गए, कहां से पहुंचे, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है इसका, वर्ती काग्र। वर्तिकाग्र तक कहां हो गए, ये पहुंच गए। अब क्या होता है कि इन पराग कणों में क्या होता है, अंकुरण होता है, यानी ये क्या होने लग जाते हैं, अंकुरित होने लग जाते हैं। ये देख रहे हैं आप अंकुरित होता पराग कण। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब ये पराग कण अंकुरित होता है तो इसके अंदर ये जो ट्यूब होती है इसके अंदर एक बड़ी नलिका का निर्माण हो जाता है जिसको क्या कहते हैं, पराग नली। तो क्या बन जाएगी, इससे पराग नली का निर्माण हो जाएगा। कब होगा, जब ये पराग कण अंकुरित हो जाएगा। तो इसे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
पराग नली का निर्माण हो जाएगा। अब ये पराग नली कहाँ से कहाँ जाएगी? वर्तिकाग्र पर तो यहीं से बनना शुरू हुई है। ये वर्तिका से होती हुई कहाँ तक जाती है? अंडाशय में बीजांड तक जाती है। कहाँ से कहाँ जाएगी ये? ये वर्तिका से और अंडाशय तक। अंडाशय में भी कहाँ? बीजांड तक, क्योंकि वहीं पे क्या है? अंड कोशिका उपस्थित है। तो ये क्या करती है? उसको भेदती हुई यहाँ पहुंच जाती है। ये जो नली का दिखाई दे रही है आपको, ये है पराग नली। इसको पराग नली बोलते हैं। और ये वाला हिस्सा कौन सा है? वर्तिका है। और ये वाला हिस्सा कौन सा है? इसका अंडाशय है। अंडाशय में ये बीजांड, और बीजांड में क्या स्थित है? ये अंड कोशिका। अब ये जो आएगा पराग कण से नलिका निकलेगी, वो यहीं पे एंटर करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है? पराग नलिका का निर्माण हो गया, यहाँ पे प्रवेश करती है। अब आगे क्या होता है कि ये जो पराग नली है, इस पराग नली में क्या है? पराग कण प्रेजेंट है। और वही पराग कण क्या करेगा? यहाँ पे आएगा। पराग नली में स्थित जो पराग कण है, अब वो क्या करेंगे? वो अब अंड कोशिका से जुड़ेंगे। यहाँ पे आए वो इस नलिका से होते हुए, ये यहाँ पे था पराग कण, और ये यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुंच गया? इस अंड कोशिका से जुड़ गया। यही प्रोसेस होती है मुख्य रूप से निषेचन की, कि वो कैसे होते हैं, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना। हमने इसकी डेफिनेशन में बताई कि मेल और फीमेल का मिलना क्या होता है? वो निषेचन होता है। और यहाँ पे जब ये दोनों मिल गए तो कौन सी प्रोसेस संपन्न हो गई? निषेचन की। तो यहाँ पे मुख्य रूप से क्या हुआ कि देखिए, जैसे ये नर युग्मक है, ये दूसरा मादा युग्मक है, ये नर युग्मक, और इन दोनों का संलयन होना क्या था? निषेचन था। इस निषेचन से अब क्या बनेगा? जब n और n मिल गए तो क्या बनेगा? 2n। वो क्या है? युग्मनज बनेगा। इससे 2n नहीं बनेगा, युग्मनज बनेगा। लेकिन ये 2n किस लिए बोला गया है? क्योंकि देखिए, हर एक जो संतति है वो किससे उत्पन्न हुई है? अपने माता पिता से उत्पन्न हुई है। तो उसके अंदर क्या होते हैं? पिता के कैरेक्टर भी आते हैं और माँ के कैरेक्टर भी आते हैं। तो दोनों से एक एन एन गुण मिले, और तो कैसा मिला? तो वो 2n बना, यानी वो द्विगुणित बना। यहाँ पे जो युग्मनज है वो कैसा है? वो द्विगुणित है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो गुणज है। किसके? एक माँ का और एक पिता का। ये युग्मनज आपको इसी का ध्यान रखना है कि युग्मनज कैसा होता है? द्विगुणित होता है। इसका नाम कैसे याद रख सकते हैं? संलयन किसका हुआ है? युग्मकों का। और जैसे कोई वर्ड होता है, जैसे अंडज है, यानी कि अंडज जिसका जन्म किससे हुआ है? अंडे से। ये युग्मनज जो किससे मिलके बना है? युग्मकों से। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है? इनका मिलन हो जाता है और ये क्या हो जाता है? युग्मनज का निर्माण हो जाता है। अब ये जो बना हुआ युग्मनज है, ये जो बना हुआ युग्मनज है, इसी से आगे क्या बनता है? भ्रूण बनता है। अब यहाँ क्या होता है, देखिए कि हम लोग, यानी कि यहाँ से क्या निर्माण हो गया? निषेचन की प्रोसेस हो गई। भ्रूण से फिर क्या बन जाएगा? इसी तरह से पूरे पादप का, पादप से फिर फल का। अब हम जैसे नया बीज कैसे बनेगा, नया पादप, हम जो फल खाते हैं उन फलों को हम खा करके फेंक देते हैं, तो क्या बीज गिरते हैं फिर उससे, और वही बीज क्या कर लेते हैं? वही बीज नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि जो बीज हमने खाए हैं, फल हम खाए, तो हम क्या करते हैं? उनको फेंक देते हैं। अब हमने जो फेंके हैं फल, उनमें क्या बीज प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या होते हैं? अंकुरित हो जाते हैं अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर, और फिर क्या हो जाएगा? नए पादप का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो वेल डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं, जो सुविकसित पौधे होंगे,
उनके अंदर ये क्या हो गया, ये पूरी प्रोसेस किसकी है, ये लैंगिक जनन की है। उन पौधों के अंदर क्या होगा, ये लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है, नर और मादा युग्मक मिल रहे हैं, ये इससे क्या होता है, नए जीव की उत्पत्ति होती है, ये उनके अंदर होती है। कौन से पौधों में, आवृत बीजियों में। इसके अलावा देखिए जो इसके और एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, इन एंजियोस्पर्म में जो बनने वाला भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है। यहाँ पे तो हमने क्या बनाया, युग्मनस द्विगुणित, ये कैसा है, ये त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लोइड होता है ये। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो यहाँ पे फल का निर्माण कैसे होगा, कि अंडाशय तो किसमें बदलेगा, जो अंडाशय था यहाँ पे हमने उसका संयोजन बताया था, वो अंडाशय से तो किसका निर्माण होगा, फल का, उसका जो हिस्सा था फूला हुआ वो तो किसका निर्माण करेगा, फल का। और जो बीजांड थे वो क्या बनाएंगे, बीज बनाएंगे। इस तरीके से क्या होता है, ये जो निषेचन की प्रोसेस है वो संपन्न होती है इनमें इस तरीके से कि नर और मादा युग्मक क्या करते हैं, उन दोनों का मिलन होता है, दोनों क्या होते हैं इसके अंदर मिलते हैं, और दोनों के मिलने से क्या पैदा होगा, युग्मनज पैदा होगा, युग्मनज बनेगा और उनसे क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, इससे फिर हमें क्या मिलेगा, नया पादप बनेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है तो इस आप लाइक का बटन दिया हुआ है नीचे, आप इसको लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियोस लगातार मिलते रहे, आप ये और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते रहें, उसके लिए आप यहाँ पर बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ आसानी से मिलते रहें। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है वो संपन्न होती है निषेचन की क्रिया। तो मुख्य रूप से सबसे पहले क्या होगा कि पराग कण के पराग कोष से आ जाएंगे, पहुँचेंगे कहाँ पे, जो वर्तिकाग्र है उसके ऊपरी सिरे पर, कौन सा भाग, वर्तिकाग्र, वहाँ पहुँच गए, वहाँ पे अंकुरित हो जाएंगे, और जब वहाँ पे अंकुरण हो गया तो नलिका निकलेगी, उसके अंदर जाएंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस किसकी होती है, ये होती है निषेचन की। तो ये था निषेचन। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें।